तो ये प्रोबेबिलिटी का इस एकेडमिक ईयर का लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक रिमूव है इस एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे इससे पहले जब टोटल सिलेबस होता था, आपके सिलेबस में टोटल पोर्शन होता था, या रिमूव हो गया है बाकी पोर्शन, कभी भी इसका इम्पोर्टेंस कम नहीं हुआ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को भी जब देने जाएंगे तो बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे, तो इसके कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो चाहते हैं कि बस हमें फार्मूला मिले और हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो बेस थ्योरम भी बहुत टफ नहीं है, आपको फार्मूला दे दिया जाएगा, क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब कई एक साथ क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई पेपर आ जाए, तो पहले आप आइडेंटिफाई कर पाए उसको कि क्या ये बेस थ्योरम पर बेस्ड है या नहीं। अगर वो बेस थ्योरम पे बेस्ड होगा तभी तो आप बेस थ्योरम अप्लाई करोगे। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है वीडियो, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप उसके कंसेप्ट को समझें कि बेस थ्योरम आया कहां से। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक एक्सटेंशन है जो हम इनडायरेक्टली पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेस थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में तो वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पहले तो आप पढ़ने में ही उलझ जाते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एक्चुअली देखा जाए तो एक ऐसा केस है जो आपको उलझाता है, उसी उलझन से मुक्ति पाने के लिए, उसी को सुलझाने के लिए बेस ने अपना एक थ्योरम दिया था जिसको हम बेस थ्योरम के नाम से पढ़ेंगे। वैसे तो इसको डायरेक्ट थ्योरम पढ़ के बता के चाहे तो हम एक्सरसाइज भी खत्म कर सकते हैं, आप कर भी लेंगे और आंसर भी सबका आ जाएगा, बट सिचुएशन आपको समझ में नहीं आ पाएगा। अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे, इसको ठीक से देखेंगे, तो आप सिचुएशन को पकड़ पाएंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। तो बेस थ्योरम डायरेक्ट बताने से पहले दो जरूरी बातें हैं जो जाननी चाहिए आपको, एक तो पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस और दूसरा टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये दो चीजें जाननी है, और ये भी बहुत टफ नहीं है, बस ध्यान से देखिए। पार्टीशन ऑफ ए सिंपल स्पेस क्या होता है? पार्टीशन वर्ड आज आपके लिए नया नहीं है, पार्टीशन बहुत पहले से जानते हो। पार्टीशन जैसे मैं कहूँ कि जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं इसके तीन पार्टीशन कर दिया जाए, तो पार्टीशन करने का मतलब कि तीन जगह से, मतलब ऐसी दीवार चलाई जाएगी कि तीन हिस्सों में ये बढ़ जाए। चाहे तो हम इसमें पांच पार्टीशन भी कर सकते हैं, तो उस पार्टीशन की मीनिंग ही समझनी है। पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस, किसका पार्टीशन कर रहा है? सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस का वही रूल होता है प्रोबेबिलिटी में जो सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट का रूल होता है। यूनिवर्सल सेट जितने भी सेट बनाए जाते हैं किससे बनते हैं? यूनिवर्सल सेट से। ठीक उसी तरह से जितने भी इवेंट बनाए जाते हैं वो सब किससे बनाए जाते हैं? सैंपल स्पेस से। तो जैसे यूनिवर्सल सेट को हम वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही सैंपल स्पेस को भी एक रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें हम मान के चल रहे हैं कि एक इवेंट ऐसा है जो गिवन है, मान लो ये इवेंट हमारा ए हो गया, ठीक है। अब हमें इस पूरे सैंपल स्पेस का पार्टीशन करना है, हम इसके कई पार्ट करना चाहते हैं। चलो मान लिया एक पार्ट हमने ऐसे कर दिया, ये सैंपल स्पेस का एक पार्ट हो गया पार्टीशन E1, इसको हम कहेंगे सैंपल स्पेस का कोई भी पार्ट लेंगे तो वो एक क्या होगा? इवेंट होगा। तो एक इवेंट तो हमारा ए हो गया जो टोटली किसके अंदर आ रहा है? एस के अंदर ही आ रहा है। एक पार्टीशन हमने उसमें किया, कौन सा? E1। दूसरा पार्टीशन एक और कर लेते हैं, ये E2 हमने पार्टीशन कर लिया। तीसरा एक और पार्टीशन कर लेते हैं इसमें E3, और चौथा एक और पार्टीशन कर लेते हैं E4। एक हिस्सा बच गया, वो भी एक अलग पार्टीशन अपने आप हो गया, उसको करने की जरूरत ही नहीं। जब ये सब अलग हो गए तो ये भी अलग हो गया, इसको मान लिया हमने E5। अब देखिए इस पार्टीशन की कंडीशन क्या है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऊपर यहां से ये पूरा पोर्शन E5 है, ठीक है। ये पांच हिस्सों में टोटल हमने सैंपल स्पेस को बांट दिया। अब ध्यान से देखिए जरा, क्या इनमें से कोई पार्ट ऐसा है जिसमें कुछ कॉमन मिल रहा हो पांच हिस्सों में? E1, E2, E3, E4, E5 में ए को नहीं कंसिडर करना है। ए तो एक ऐसा इवेंट है जो सब में थोड़ा थोड़ा है। जैसे देखिए सिचुएशन को समझिए, हो सकता है वो सैंपल स्पेस, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मैंने ये जो सैंपल स्पेस लिया है वो 52 कार्ड्स का लिया है, प्लेइंग कार्ड का,
ठीक है, उसमें से इवन इवेंट सपोज करिए कि मैंने ले लिया किसका, स्पेड का ले लिया, ई टू इवेंट हमने ले लिया क्लब्स का, ई थ्री हार्ट का ले लिया, और ई फोर हमने ले लिया डायमंड का, और ये जो बीच में बचा वो जोकर है मान लो, ठीक है, और बीच में एक जो ए बनाया हमने से वो मान लो कि वो एस होने की प्रोबेबिलिटी है या किंग होने की का इवेंट है, तो किंग तो सब में मिलते हैं थोड़े थोड़े, एक एक किंग तो सब में होते हैं ना, इसलिए देखो थोड़ा थोड़ा सबको टच कर रहा है ये, ठीक। तो ये एक सिचुएशन हमने आपके सामने रखा, अब बताइए क्या इवन ई टू में कुछ कॉमन है, ई टू ई थ्री में कुछ कॉमन है, ई थ्री ई फोर में कुछ कॉमन है, ई फोर ई फाइव में कुछ कॉमन है, कोई एक दूसरे के साथ कुछ भी कॉमन नहीं रख रहा है, फिगर देख के क्लियर एकदम हमें पता है कि इसमें कुछ भी किसी के साथ कोई कॉमन नहीं है, नहीं है। मतलब कि पहला कंडीशन तो पार्टीशन होने का ये है, हमने पार्टीशन ही किया है ना, देखो पार्टीशन ऐसे ही किया जाता है ना, तो पहला कंडीशन तो ये है कि अगर एक ही साथ लिखना चाहें तो ei इंटरसेक्शन ej इज इक्वल टू 5, मींस जितने भी पार्टीशन हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, सब डिसजॉइंट होने चाहिए, उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला ये कंडीशन, फॉर ऑल i Not equal to j and i j is equal to 1, 2, 3 and so on and तक हो सकता है। Second condition देखिए, अगर सोचिए मैं इन partition को कहूँ कि फिर से इस दीवार को तोड़ दीजिए या सबको आपस में मिला दीजिए, तो फिर क्या बनेगा? फिर सब वही हमें s ही मिल जाएगा, जैसे हमने इस रूम में partition किया था, अगर सभी रूम को मिलाए तो फिर क्या मिलेगा? ये बड़ा सा क्लासरूम हमें मिल जाएगा फिर वापस। तो इन सभी पार्टीशन को, जितने इवेंट्स थे, अगर उन सबको हम ज्वाइंट कर रहे हैं तो फिर हमें क्या मिल रहा है? एस ही मिल रहा है। तो दूसरा कंडीशन ये हुआ कि ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री यूनियन ई फोर यूनियन ई फाइव एंड सो ऑन, अगर और भी होते तो आगे ई एन तक होता, यहां फाइव भी हमने लिया है, तो ये सब मिलके क्या बना रहे? सिंपल स्पेस। तो ये दो इंपॉर्टेंट केस है कि कोई भी इवेंट किसी सिंपल स्पेस का पार्टीशन तभी होंगे वो इवेंट्स जब उनमें आपस में कोई ज्वाइंट ना हो, वो सब डिसज्वाइंट हो, उनमें से किसी दो का इंटरसेक्शन हमेशा फाई मिले और सबका यूनियन एस के इक्वल मिले, सिंपल स्पेस के इक्वल मिले, तब ये पार्टीशन हो सकता है। और तीसरा एक और कॉमन है इसमें जो सिंपल है बहुत, कि ये जो इवेंट्स होंगे वो सब नॉन जीरो होने चाहिए, सभी इवेंट्स क्या होने चाहिए? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई आई, अब आई की जगह पे 1 भी हो सकता है, 2 भी, सब सभी होंगे, इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये नॉन जीरो होने चाहिए। देखो सब सब कुछ ना कुछ ए का कुछ हिस्सा ले रहा है, ऐसा ले रहा है ना, तो ये सब नॉन जीरो होने चाहिए, तो ये पार्टीशन कहा जाएगा। पार्टीशन समझ में आ गया? कोई भी इवेंट्स, सेट ऑफ इवेंट्स किसी सिंपल स्पेस के पार्टीशन कब होंगे? जब वो सब डिसजॉइंट हो, डिसजॉइंट समझते हैं, उनमें उनका इंटरसेक्शन, किसी दो का इंटरसेक्शन हमेशा क्या मिले? फाइव मिले, और उन सब का यूनियन सिंपल स्पेस हो और सभी नॉन जीरो, प्रोबेबिलिटी उनकी नॉन जीरो, तो ये पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस कहे गए। अब इन सभी चीजों को कोरिलेट करते हुए हम बेस थ्योरम तक पहुंचेंगे, इसलिए ये जानना जरूरी है। उसके बाद हमें पढ़ना है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कुछ अलग से नहीं है, जो अभी हमने बताया उसी का एक पार्ट है, उसी को एक्सटेंड थोड़ा सा करेंगे। पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, या स्टेटमेंट पढ़ने से पहले पहले समझ लीजिए, उसके बाद स्टेटमेंट में पहुंचेंगे। ये आपको पार्टीशन समझ में आ गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हमें ये बताना है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो उससे पहले हम आपको कुछ फैक्ट बताना चाहते हैं। जैसे मान लो अगर हम ऐसे इवेंट्स ले लें जो पार्टीशन है किसी सिंपल स्पेस के, तो हम ये कह सकते हैं कि ई आई इंटरसेक्शन ई जे इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 5 एंड ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री डॉट यूनियन ई एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा? सिंपल स्पेस मिलेगा, यही ना मिलेगा। अब इन सब के बीच में एक इवेंट हम और सपोज कर लेते हैं जिसका नाम ए है,
अगर इन सब के बीच में एक इवेंट हम सपोज कर लेते हैं जिसका नाम ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अब हम निकालना चाहते हैं, ए बी एन इवेंट इन एस, एस में ही एक इवेंट क्या है, ए है, तो एस यूनिवर्सल सेट का काम करता है ना, और आपने पढ़ा होगा सेट थ्योरी में कि यूनिवर्सल सेट के साथ उसके किसी भी सबसेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो वही सेट मिलेगा, क्योंकि सब किससे बने हैं, एस से ही बने हैं। तो अगर हम ये लिखें कि ए इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू, तो क्या लिखना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन एस क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा ना, क्योंकि ए किससे बना है, एस से ही, तो ए के सभी एलिमेंट एस में होंगे, तो ए इंटरसेक्शन एस क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ए इंटरसेक्शन एस हमें पता है किसके इक्वल है, ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री, तो हम यहां लिख सकते हैं ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री एंड सो ऑन यूनियन ई थ्री। अब देखो थोड़ा सा यहां पे सेट थ्योरी हम यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू, अब हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ई वन, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे यहां पे, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, फिर यूनियन है बीच में, तो यूनियन ए इंटरसेक्शन ई टू, फिर यूनियन एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ई एन, यही मिलेगा ना। अब अगर ऐसा है तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, अभी तो इवेंट लिखा है हमने सिर्फ, अब अगर इनकी प्रोबेबिलिटी को देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, जब यहां प्रोबेबिलिटी लगा देंगे तो प्रोबेबिलिटी में आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब यूनियन आता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को, ऐड कर लेते हैं, जब इंटरसेक्शन आता है और इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे यूनियन आ रहा है, तो यूनियन आ रहा है इसका मतलब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, इसको लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन ई वन, लिख सकते हैं, अब इस यूनियन की जगह पे हम प्लस यूज कर सकते हैं साइन, पी ए इंटरसेक्शन ई टू प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन ई एन। अब थोड़ा याद करिए प्रीवियस लेक्चर, मल्टीप्लीकेशन थियरम ऑन प्रोबेबिलिटी में हमने क्या बताया था कि पी ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी इंटरसेक्शन ए, यही होता है ना, इंटरसेक्शन ई ए अपान ई, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये किसको शो कर रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, मतलब हम लिख सकते हैं पी ए की जगह पे, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, पी ए पी ई वन, सॉरी पी ई वन इंटू पी ए अपान ई वन, यही लिखा जा सकता है ना। इसी तरह से यहां क्या लिखा जा सकता है, पी ई टू इंटू पी ई इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए अपान ई टू, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन, पी ई एन इंटू पी ए अपान ई एन, और यही तो है आपका थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यही है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आगे दे देते हैं, क्या लिखा है, लेट ई वन ई टू ई थ्री ई एन बी अ पार्टीशन ऑफ द सिंपल स्पेस एस, देन लेट ई वन ई टू ई थ्री ई एन हैज नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, मतलब ये कह रहा है कि ये पार्टीशन है, उनकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, लेट ए बी एन इवेंट एसोसिएटेड विथ एस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, जो हमने डेराइव करके वहां दिया वही तो दे रहा है, तो यही है हमारा थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। देखिए अब समझने की कोशिश करिए, हम क्या कह रहे हैं कि ई वन ई टू ई थ्री ई एन सब हो चुके हैं, तो पहले ई वन हुआ होगा तभी तो ए में आया होगा, तो ई वन हो चुका उसके लिए हम क्या करेंगे कि ई वन हुआ पी ई वन लिखते हैं, और इस कंडीशन को क्या कहेंगे, पी ए अपान ई वन कहेंगे ना, पी ए मतलब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जबकि ई वन हो चुका है, यानी ए ई वन के साथ कितना हुआ, ई वन के साथ होने के चांस कितने हैं, उसी को पी ए अपान ई वन लिखा जाता है ना, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई वन हैज अकर्ड, उसको पी ए अपान ई वन लिख रहे हैं। फिर ई टू में देखो ई टू हो चुका है, और अब हम चेक करना है कि ए के साथ कितना हुआ, ए इंटरसेक्शन ई टू है ना ये, और ए इंटरसेक्शन ई टू को ही तो लिखते हैं पी ए अपान ई टू इंटू पी ई टू लिखते हैं ना, इसी तरह से इसके साथ कितना हुआ, इसके साथ कितना हुआ, इन सब को जब ऐड कर रहे हैं तो फिर क्या मिल रहा है, टोटल ए मिल रहा है, टोटल ए ही ना मिल रहा है, ई टू ई थ्री ई फोर के साथ ये है, ई फाइव के साथ,
ये E1 के साथ, E2 के साथ, E3 के साथ, E4 के साथ और E5 के साथ, और जब सबको ज्वाइंट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? टोटल A मिल रहा है। यही कहता है टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आया? अगर ये दोनों समझ में आ गया तो बेस थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम पहुंचेंगे कहां पे? बेस थ्योरम पे। बेस थ्योरम क्या कहता है स्टेटमेंट, इसका देखते हैं। लेट S बी ए सैंपल स्पेस एंड E1, E2, E3, En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब जो अभी पार्टीशन की कंडीशन हमने बताया, पहला कंडीशन लिख रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि वो सब क्या होनी चाहिए? डिसजॉइंट एंड एग्जास्टिव। एग्जास्टिव इवेंट भी आपको पढ़ाया गया था कि जब सभी इवेंट का यूनियन कितना हो जाए सैंपल स्पेस के इक्वल, तो उसको एग्जास्टिव इवेंट बोलते हैं। तो ये दोनों कुछ अदर वर्ड्स नहीं है, इसको वही चीजें हैं जो हमने पार्टीशन में कंडीशन बताया, एक्सक्लूसिव एंड एग्जास्टिव। एक तीसरा और भी कंडीशन है जो यहां पे लिखा हुआ, पी ए नॉट इक्वल टू जीरो इवेंट्स एंड ए इज एनी आर्बिट्रेरी इवेंट That occurs when any one of the events E1, E2, E3, En has already occurred। मतलब पहले कौन इवेंट होंगे? E1, E2, E3, En हो चुके होंगे, फिर उसमें से एक A इवेंट हमें सेलेक्ट करना है यदि गिवन रहेगा, और A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नॉन जीरो होगी। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ EI। अब ये जो E1, E2, E3, En गिवन है उसमें से किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर्ड हो चुका होगा, यानी ए का अकरेंस गिवन होगा, तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं, पीईआई अपॉन पीए इज इक्वल टू पीईआई इनटू पीए अपॉन ईआई अपॉन सिग्मा पीईआई इनटू पीए अपॉन ईआई आई इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब सिग्मा नोटेशन हो सकता है कईयों को समझ में ना आ रहा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं दो इवेंट के लिए। पहले अगर सिर्फ दो ही इवेंट हो और मान लो E1 E2 पहले से हो चुके हैं और उनके साथ A इवेंट को होना है, तो P E1 जबकि A हो चुका है तो वो E1 के साथ हुआ, यानी कुल मिला के देखो बेस थ्योरम में पूछा क्या जाता है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। जनरली अब तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे, जैसे हमने कहा कि 52 कार्ड का एक सेट है, उसमें से एक कार्ड ड्रा करते हैं तो उसके S होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, जबकि आपको पता होता था कि चार सेट है, कौन कौन से? स्पेड, क्लब्स, हार्ट और डायमंड, तो उसके एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये निकालते थे, और ये जनरली हम आसानी से निकाल लेते थे सिंपल प्रोबेबिलिटी का यूज करके। अब ये कहेगा कि जो हमने ड्रॉ किया कार्ड उसको देखा, तो वो देखा तो वो किंग था, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो डायमंड का किंग था, इसके कितने चांसेस है? रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। पहले ये सिंपल पूछता था कि वो किंग है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब कहेगा किंग तो है लेकिन वो डायमंड का है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, या वो क्लब्स का है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो वहां पे अब हमको बेस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। बेस थ्योरम आइडेंटिफाई करने के और भी तरीके हम बता रहे हैं। पहले इसको देखो, सिर्फ टू इवेंट के लिए क्या होगा, P E1 अपॉन E2। अगर मान लीजिए E1 E2 इवेंट हो चुके हैं, A इवेंट कोई तीसरा आ रहा है जो इनके साथ हो रहा है, और इवेंट ए हो चुका तो वो E1 के साथ हुआ था, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगर इवेंट ए हो चुका तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसको नीचे लिखेंगे, E1 के साथ हुआ था तो E1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इसको ऊपर लिखेंगे, इज इक्वल टू बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा PE1 इनटू PA/E1, मींस ए और E1 दोनों हुआ था वही के लिए प्रोबेबिलिटी है, वही प्रोबेबिलिटी है ना मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पे अगर सोचे आप, अपॉन PE1 इंटू PA अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PA अपॉन E2। ये सिंपल वे में होता अगर दो इवेंट है, तो तीन इवेंट है तो ऊपर वाला सेम रहेगा, अगर पहले के पूछ रहा है तो नीचे एक और ऐड हो जाएगा PE3 इंटू PA अपॉन E3। समझ रहे हैं? ये बेस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है और समझना थोड़ा मुश्किल भी है, फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो वैसे भी उसको पढ़ना नहीं है, आपसे बेस थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा कहीं भी एग्जाम में, बेस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, जो हमने फिगर इसके पहले बनाया था ऐसा ही कुछ था ना, यहां पे देखिए थ्री कंडीशन के साथ ही हम बता रहे हैं,
या फोर कंडीशन के साथ सपोज है, ये हमारा इवेंट हो गया, मान लो ये, ठीक है, ये E1, E2, E3, थ्री कंडीशन के साथ ही समझ, फोर कंडीशन के साथ ही समझ लीजिए, E4, और ये बीच में A है, A अकर्ड हो चुका है, हमें चाहिए, क्या चाहते हैं हम, कि ये E1 के साथ हुआ था, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, हमको देखना क्या, हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए कि ये E1 के साथ हुआ था, इसका कितना चांस है, मतलब हमारा फेवरेबल रीजन सिर्फ यही है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये A और किसके किसके साथ हुआ था, E1 के साथ थोड़ा सा हुआ था, कुछ E2 के साथ भी हुआ था, कुछ E3 के साथ भी हुआ था, और कुछ E4 के साथ भी हुआ था, तो टोटल कंडीशन, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये चारों हो गए, और हमारा फेवरेबल ये है, तो फेवरेबल में हम क्या लिखेंगे, PE intersection E1 intersection A, ये लिखेंगे ना, अपन टोटल में क्या लिखेंगे, इन सब का सम, इन सब का सम ही ना लिखेंगे, मतलब P E1 intersection A plus P E3 intersection A plus P E4 intersection A, ये हमारे टोटल कंडीशंस हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये फेवरेबल आउटकम्स, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कहता है कि इसकी वैल्यू होगी इतनी, PE1 into PA upon E1, इसकी वैल्यू होगी PE1 into PA upon E1 plus, इसकी वैल्यू होगी PE2 into PA upon E2, इस तरह इसकी PE3 into PA upon E3, PE4 into PA upon E4, हो गया, यही तो है बस कंडीशन, ये इसमें ये पूछ रहा है कि ये हुआ तो A, लेकिन अब बताइए ये हुआ तो E1 के साथ होने के कितने चांसेस इसके, ये तो चारों के साथ हुआ ना, तो E1 के साथ होने के कितने चांसेस हैं, या E4 के साथ होने के कितने चांसेस हैं, रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है यहाँ पे, बात समझ में आई, आइडेंटिफाई करने के और भी तरीके हैं, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको अलग अलग करना शुरू करेंगे तो एक ट्री डायग्राम मिलेगा आपको, ट्री डायग्राम मिलेगा, यानी इस तरह के क्वेश्चन जनरली कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने में होते हैं, पढ़ने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ट्री डायग्राम कैसे बनेगा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि दो बैग हैं, दो झोले हैं, और उसमें कुछ काली कुछ सफेद गेंदे रखी गई है, कुछ बॉल रखे हैं, तो सबसे पहले आपको रास्ते में क्या मिला, दो बैग, तो आप यहां से अगर फिगर डायग्राम बनाएंगे तो ये B1 और ये B2, दो बैग आपको यही मिल गया, अब कह रहा है इसमें भी रेड बॉल है कुछ, और इसमें भी ब्लैक बॉल है, और इसमें भी कुछ रेड बॉल है और कुछ ब्लैक बॉल है, ये कह देगा, मान लो कह दिया कि इसमें 5 रेड बॉल है, इसमें 3 ब्लैक बॉल है, इसमें 6 रेड बॉल है और 10 ब्लैक बॉल, ये कह दिया, अब कहेगा कि दोनों में से रैंडमली कोई आदमी आया और एक झोले में हाथ डाला और एक बॉल निकाल लिया, उसको देखा तो वो रेड मिला, अब बताइए क्या चांस है, उसने ये देख के बता दिया कि रेड ही है जो निकल गया, वो क्या है, रेड है, अब वो इस बात का क्या चांस है कि वो बैग 2 से निकला होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, वो बैग 2 से निकला होगा, तो देखो जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, जिसका मतलब जो इवेंट दे चुका है, जैसे दे दिया कि रेड निकला है, तो हमें उसको हमेशा क्या रखना है, नीचे रखना है, यहां प्रोबेबिलिटी में हमें क्या रखना है, नीचे रखना है रेड वाला, पूछ रहा है कि बैग 1 से बैग 2 से निकला था इसके चांस कितने हैं, तो यहां रखना है B2 को, बैग 2 से निकला था इसके कितने चांसेस हैं, और जब हमको ये मिल गया तो हम सीधा सीधा बेस थ्योरम लगाएंगे, अब बेस थ्योरम ये कहता है कि अगर यहां B2 है तो आप पहले B2 लिखिए और उसके बाद क्या लिखिए, इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PA upon B2 लिखिए, हाँ ठीक है, और अपान फिर जितने कंडीशन है सबका सम कर दीजिए, दो कंडीशन है, एक तो है कि B1 से निकला होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती PR upon B1 प्लस B2 से निकला है तो PR upon B2, ये प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको दो रास्ते अगर या तीन रास्ते या चार रास्ते शुरू में ही मिल जाते हैं तो आप वहां सोचना शुरू कर दीजिए बेस थ्योरम के बारे में, ये बेस थ्योरम का कंडीशन है, जैसे कह दिया पहले तो हम आएंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों में से एक बैग सेलेक्ट करेंगे ना, तो दो बैग हैं और एक में हाथ डालने की हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, 1/2, तीन होते तो 1/3, 1/3, 1/3, चार होते तो 1/4 होता सबकी प्रोबेबिलिटी, उसके बाद अब दो इवेंट अलग, एक इवेंट ऐसा हम सेलेक्ट करते हैं जो कॉमन है दोनों में, अब वो कौन सा कॉमन है, रेड बॉल निकलने वाला, रेड बॉल इसमें भी है उसमें भी है, तो वो हमारा ए हो जाएगा, अगर हम E1, E2 और A को सेलेक्ट कर लेते हैं कि
कौन इवन इवेंट है, कौन ई टू है और कौन ए है, तो ये प्रॉब्लम हमारा साल हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत 30% से 50% समझ में आया होगा। जब 5 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो और भी ज्यादा 50% से ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। जब 10-20 क्वेश्चन कर लेंगे ना इस पे, तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और धड़ाधड़ करेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होती। तो 2 लेक्चर में हम लोग पूरा एक्सरसाइज कवर करेंगे इसके बाद।